इस वक्त मैं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो महिलाएं थीं वो CAA के खिलाफ जाफराबाद इसी मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठ गई थी धरने पर, जिसके बाद CAA के समर्थन में कुछ लोग सामने आ गए थे मौजपुर इलाके में और उसके बाद हिंसा दिल्ली में भड़की। ये जगह देखिए, यहाँ पर इसको बाकायदा दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने खाली करा लिया है। फिलहाल की अगर बात देखें तो भारी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। अपने कैमरा पर्सन को थोड़ा आगे चले और दिखाएं। देखिए, ये जो जगह है इसी जगह पर कुछ दिन पहले जो महिलाएं हैं वो अचानक से आई थी और धरने पर बैठ गई थी इस जगह पर, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन। ये आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ जाफराबाद मेट्रो स्टेशन है। उसके बाद आज अभी कुछ देर पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस जगह को खाली करा लिया गया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि ये हिंसा की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट जिले में, अगर हिंसा की शुरुआत करें तो उसकी एक मुख्य वजह ये भी बताई जा रही थी कि जब यहाँ पर महिलाएं धरने पर बैठ गई उसके बाद यहाँ से कुछ दूरी पर मौजपुर इलाके में जो बीजेपी के नेता है कपिल मिश्रा वो अपने समर्थकों के साथ आकर धरने पर बैठ गए थे, उसके बाद वहाँ हिंसा फैली, उसके बाद एक एक करके नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हिंसा भड़क गई थी। लेकिन आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरी जगह है यहाँ पर, इसी जगह पर महिलाएं धरने पर बैठी थी, लेकिन फिलहाल इस पूरे इलाके को जवानों ने यहाँ पर, जो आप देख पा रहे हैं, इन जवानों ने और दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से इस रास्ते को खाली करा लिया है।